नमस्कार, मी श्वेता, तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत। दुपारच्या बातम्यांमध्ये तुमचं स्वागत। या बुलेटिनच्या सुरुवातीला बातमी आहे भारताच्या दृष्टीनं अभिमानाची, कारण ऑलिम्पिकमध्ये भारतानं खातं उघडलंय। वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला रौप्य पदक मिळालेलं आहे। मीराबाई चानूनं रौप्य पदक पटकावलंय। 49 किलो वजनी गटामध्ये पहिल्या प्रयत्नात मीराबाईनं 84 किलो आणि दुसऱ्या प्रयत्नात 87 किलो वजन उचललं, मात्र तिसऱ्या प्रयत्नात ती 89 किलो वजन उचलण्यात अपयशी ठरली। भारतीय वेटलिफ्टिंगच्या इतिहासातील ऑलिम्पिकमधलं हे भारताचं दुसरं पदक आहे। याआधी 2000 साली सिडनी ऑलिम्पिकमध्ये भारतानं वेटलिफ्टिंगमध्ये पदक जिंकलेलं होतं। कर्णम मल्लेश्वरीनं ब्रॉन्झ मेडल मिळवून दिलं होतं भारताला, आणि ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक जिंकणारी मीराबाई चानू ही पहिली भारतीय महिला वेटलिफ्टर ठरलेली आहे। त्यामुळे टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतानं आपलं पदकांचं खातं उघडलेलं आहे। मीराबाई चानू हिनं 49 किलो वजनी गटात भारताला रौप्य पदक मिळवून दिलंय। भारताकडून आता खेळाडूंकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत क्रीडाप्रेमींना, आणि आता तर कुठे सुरुवात आहे। ऑलिम्पिक गेम्समध्ये मीराबाई चानूनं वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला रौप्य पदक मिळवून दिलं आहे, आणि एक प्रकारे आपल्या पदकांचं खातंच उघडलेलं आहे भारताच्या, आणि पुढे अजून बरीच मजल मारायची आहे। वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला 49 किलो वजनी गटात मीराबाई चानूकडून रौप्य पदकाची कमाई। ऑलिम्पिकमध्ये भारताला मिळालेलं हे यंदाचं पहिलं रौप्य पदक, आणि यानंतर बऱ्याच पदकांची अपेक्षा या खेळाडूंकडून भारताला आहे। याआधी ऑस्ट्रेलियामधल्या गेम्समध्ये मीराबाई चानूनं गोल्ड मेडल पटकावलेलं होतं, आणि आता टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये वेटलिफ्टिंगमध्ये 49 किलो वजनी गटात मीराबाई चानूनं रौप्य पदकावरती आपलं नाव कोरलंय। त्यामुळे भारतासाठी ही एक अभिमानाची गोष्ट, आणि प्रथमच ऑलिम्पिकमध्ये वेटलिफ्टिंगमध्ये भारताला रौप्य पदक मिळवून देणारी मीराबाई चानू ही पहिली खेळाडू ठरलेली आहे। मीराबाई चानूनं 84 किलो हे पहिल्या प्रयत्नात वजन उचललं, दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये 87 किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात 89 किलो वजन उचलण्यात ती अपयशी ठरली, मात्र रौप्य पदकाची कमाई केली आहे। त्यामुळे भारताच्या खात्यात पहिलं या ऑलिम्पिकमधलं रौप्य पदक जमा झालेलं आहे। मीराबाई चानू हिच्या नावावर महिला वेटलिफ्टर ती पहिली ठरली आहे ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक मिळवणारी। याआधी ऑस्ट्रेलियातल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये मीराबाईनं सुवर्णपदकाची कमाई केली होती, मात्र ऑलिम्पिकमध्ये आत्तापर्यंत वेटलिफ्टिंगमध्ये अशा प्रकारची कामगिरी कोणी केलेली नव्हती, मात्र मीराबाई चानूनं हा रेकॉर्ड आपल्या नावावरती केला आहे। याआधी ऑलिम्पिकमध्ये ब्रॉन्झ मेडल मिळालेलं होतं भारताला, मात्र या ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदकाची कमाई मीराबाई चानूकडून। ऑलिम्पिकमध्ये भारतानं आपलं खातं उघडलंय। पहिल्याच दिवसाची सुरुवात ही भारतासाठी अतिशय दमदार अशी म्हणावी लागेल। भारताला वेटलिफ्टिंगमध्ये रौप्य पदक मिळालेलं आहे। मीराबाई चानूनं हे रौप्य पदक पटकावलंय 49 किलो वजनी गटामध्ये। पहिल्या प्रयत्नात तिनं 84 किलो वजन उचलण्यात यशस्वी ठरली, त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये 87 किलो, मात्र तिसऱ्या प्रयत्नात ज्यावेळी 89 किलो वजन उचलायचं होतं त्यात मात्र तिला थोडंसं अपयश आलं। मात्र तरी भारतासाठी रौप्य पदकाची कमाई मीराबाई चानूनं केली आहे। याआधीची काही सरावाची दृश्य, आणि त्यानंतर ऑलिम्पिकमध्ये काल टोकियो ऑलिम्पिकच्या उद्घाटनाचा सोहळा पार पडला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सगळे नियम पाळून, आणि आज ज्यावेळेला स्पर्धांना सुरुवात झाली इतनी बड़ी खुशी आज बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती बहुत खुश हूँ बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में आप एकमात्र महिला थी तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ हाँ मैं सारी वेटलिफ्टर इंडिया की वेटलिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद को भी क्योंकि ये हमारी वेटलिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच फैमिली जो भी मेरा सपोर्ट है मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि
वेटलिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए, वेटलिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है यार, नया इतिहास रचा है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन है इसे सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब, इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उसको गोल्ड मेडल लेने के लिए हम उम्मीद था, तो उसको वही जो अभी उसने उठाया हुआ वही से थोड़ा सा और कम होने से, तो हम उम्मीद है उसको गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा, हम उसके ऊपर हम विश्वास था, तो लेकिन उसका थोड़ा स्टेप के वजह से ऐसे हुआ है, तो मैं अगला हम चीज़ देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है, अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर जी, ये आप लोग ने सही कहा, ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि ओलंपिक का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव असर होता है। मैं मानता हूँ कि मीराबाई चानू आज पहली बार भारत का सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में जो जीती है, उसके लिए हम सब पूरे भारतवर्ष हम अभिनंदन करना चाहते हैं मीराबाई चानू को, और साथ साथ उनको बधाई देता हूँ। सर, इन इंग्लिश द सेम थिंग सर, हाउ डू यू फील अबाउट मीराबाई चानू विनिंग द मेडल इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ? सी, विनिंग ए मेडल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओलंपिक्स इज वेरी स्पेशल बिकॉज इट सेट्स द टोन। दैट इज व्हाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट नथिंग कैन बी बेटर देन विनिंग ए मेडल ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। सो वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट तो मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू वो प्रॉमिस करके गए थे टोक्यो जाने से पहले, उन्होंने मुझे भी पहले जब मिले थे तब भी उन्होंने कहा, बाद में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि टोक्यो से ज़रूर मेडल जीत करके देश के लिए लाऊंगा। तो जब मीराबाई चानू का इंजरी हुई थी और काफ़ी उनका सीवियर इंजरी के बाद उसको अमेरिका भेज दिया गया, और अमेरिका में फिजियो के साथ जो उन्होंने कंडीशनिंग ट्रेनिंग सब कुछ किया, तो उसके लिए मैं मानता हूँ कि मीराबाई चानू और उनके साथ में उनके कोच, उनके फिजियो, उनके सारे टेक्निकल टीम और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सबका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बहुत अच्छा तालमेल रही है, तो उसके वजह से आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा भारत की एक बेटी ने पहला दिन देश के लिए मेडल जीता और टोक्यो में तिरंगा को लहराया है। सर, आगे जो खिलाड़ी हैं मैरी कॉम और लवलीना, उनको लेकर क्या होप है? सबका ऊपर में होप है, हम लोग सब चेयर फॉर इंडिया कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक नागरिक चेयर फॉर इंडिया कर रहे हैं, तो हम भी चेयर फॉर इंडिया, हमारा खिलाड़ियों का मनोबल को और ऊँचा करने के लिए हम यहाँ से चेयर करते रहेंगे। हम टोक्यो नहीं जा सकते हैं, स्टेडियम नहीं जा सकते हैं, अपने अपने घर से, देश से, हम जहां भी हो हम चेयर फॉर इंडिया करते रहेंगे। सर, करण जी से आज बात हुई तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि जिस तरीके से लगातार अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है,
लगातार प्रमोट किया जा रहा है, तो उससे भी जो खिलाड़ी होते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं सर। प्रधानमंत्री जी ने एक बात शुरू से कही थी कि खिलाड़ियों को कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सारा चीज उसी से निकल के आते हैं कि खिलाड़ियों को किसी चीज का तकलीफ होने नहीं देना चाहिए। ये सबका मकसद है, सबका कोशिश है, और इस बार मुझे लगता है कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे बड़ी भारतीय दल इस बार जो गए हैं ओलंपिक कंटिंजेंट, और ओलंपिक में आप लोग को पता है कि ये सिर्फ देश, हर देश नहीं जा सकते हैं, क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ओलंपिक का स्टैंडर्ड होता है, वो क्वालिफाई करके ही आप ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। वैसे हर देश खिलाड़ी ऑटोमेटिक नहीं भेज सकते हैं, तो दुनिया का टॉप प्लेयर्स का ये आपस में जो खेल होते हैं इसका स्तर ही अलग होता है, ओलंपिक का लेवल अलग होते हैं, उसका स्टैंडर्ड अलग है और उसका मजा भी अलग है। ये आप जितना मीडिया वाले हैं आप लोग के माध्यम से फिट इंडिया को और आगे बढ़ाना है जी सर, और मीडिया वाले फिट होंगे तो देश को भी फिट होने में और आसान होगा। नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों के लिए एक बार नहीं वो सब देश एक सर। मेरा भाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक ताली मारकर भारत का नाम रोशन किया है। मेरा भाई चानू के कोच हमारे साथ है विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है, पहले खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेटलिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेटलिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी, आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए US भेजा था इस कम्पिटिशन से पहले, क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं उस ट्रेनिंग के का हमें बड़ा फायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे, इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। हाँ, चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सबर करना पड़ा, बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था, आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। न्यूज 18 लोकमत के लिए संजय दुधाने, टोक्यो ओलंपिक, जापान।